थर्ड ईयर सिक्स्थ क्लास। नेक्स्ट वीक अपन स्टार्ट कर लगे हैं चैप्टर 13 टू डिमेंशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री। बहुत ईजी है, सिर्फ अपन ने थोड़े जे समय करने हैं। जो एक्सरसाइज 13.1 देखो, ड्रा अ लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब की होंगे कि वह लाइनज काउंट करने जो सेम कट कर दिया ने। हम देखो डायग्राम में 1, 2, 3, 4 इन दे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 मतलब चार लाइनस ने जो सेम इक्वली पार्ट से डिवाइड करनगियाँ। हूँ इन सिर्फ 1 है क्योंकि अगर इन्हें फोल्ड करोगे सिर्फ आएगी। अगर इन्हें इस साइड तो कट कर दो इतने सी रह जाती, इतने अपने को इदा शेप बन जाती है, शेप सेम होनी चाहिए। हूँ सी देखो, इन्हें इस साइड तो कट करोगे सही हो जाएगी, सेंटर चो कट करोगे इक्वल पार्ट हो, इधरों कट करो तो भी इक्वल पार्ट हो जाएगी। तो कि 1, 2, 3, 4 हूँ ये देखो, अगर इतों कट करते हो इतने आ शेप बनती है, इधरों आ शेप बनती है, शेप उल्टी हो जाती, इस करके तो की लिख देना आंसर नो। नैक्सट 13.2 एक्सरसाइज, फाइंड द नंबर ऑफ द लाइन सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द शेप फॉलोइंग द हेल्पिंग ऑफ मिरर। आ डायग्राम बनाई हुई है सेंटर से लाइन मार के, सेम डायग्राम इधर बन जाऊ क्योंकि मिरर के ये चीज़ उम्मीद ही दिखेगी। आ राइट साइड है वो, आ इधर वो राइट साइड आ जाऊ, आ लैफ्ट आ वो लैफ्ट साइड आ, लैफ्ट साइड आ जाऊगी उम्मीद। सेम बटरफ्लाई उदा ही एरो उदा ही सर्कल से। नैक्सट है देखो, वो कहते इनू कंप्लीट करना होना डबल्यू आ, ठीक है डबल्यू नू तुसी डबल्यू तो बनाओगे। हुण इहदी जिहड़ी राइट साइड आ वाली सी वो इस साइड आएगी, जिहड़ी चीज़ दी लैफ्ट साइड सी वो इस साइड दिखेगी, मिरर इमेज उल्टी दिखदी होंगी। ठीक है हुण आ सी देखो, जिवें सी आ, सी तुहानू पता लगदा इधर नू सी आया, इधर नू सी उल्टी बन गई, आ इहदी राइट साइड सी, आ इहदी राइट साइड, आ इहदी लैफ्ट साइड सी, आ इहदी लैफ्ट साइड। एच सेम दिखेगी, बी भी सेम दिखेगी, एंड टी भी सेम दिखेगी। तक थोड़ा एक्सरसाइज जरा कंप्लीट हो जाएगी।